नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू और आप देख रहे हैं बोल स्काई। विश्व में लाखों लोग इस समय जानलेवा वायरस की चपेट में आ गए हैं। वायरस से सबसे बड़ी दुनिया जंग डॉक्टर्स को लड़नी पड़ रही है। गंभीर बीमारी का इलाज कर रहे डॉक्टरों का दर्द देखकर पूरी दुनिया उनका शुक्रिया अदा कर रही है और मरीजों के साथ उनकी सलामती की दुआ मांग रही है। वायरस का इलाज कर रहे डॉक्टर्स न केवल नॉनस्टॉप लोगों का इलाज करने में जुटे हैं, बल्कि उन्हें अपने परिवार से भी अलग रहना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां एक डॉक्टर चाहकर भी अपने बेटे को गले नहीं लगा पा रहे हैं। ये वीडियो सऊदी अरब के डॉक्टर नाजिर अली अल शहरानी का है। डॉक्टर अपने छोटे बेटे को गले लगाने से रोक रहे हैं। मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बाद डॉक्टरों का काम काफी बढ़ गया है। कई कई घंटों तक वे अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अस्पताल के बाद जब डॉक्टर अपने घर लौटा तो उनका बेटा दौड़कर उनके गले लगने भागा, लेकिन डॉक्टर अपने बेटे को अपने पास आने से रोकते हैं और उसे दूर रहने के लिए इशारा करते हैं। अपने बेटे को चाहकर भी गले नहीं लगा पाने पर वो खुद को रोक नहीं पाते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। 6 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो चलिए आप भी देखिए ये इमोशनल सा वीडियो।